देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी है, तो वहीं विपक्ष 2024 के लिए चुनाव को लेकर पीएम कैंडिडेट का चेहरा खोज रहा है, या यूं कहें कि विपक्षी नेता पीएम कैंडिडेट बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ शह और मात का खेल खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश में है। लेकिन इसी बीच यूपी में एक बार फिर से भगवा दल ने कमल खिलाया है और बीजेपी की आंधी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विचारों खाने चित हो गई। बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे अखिलेश को ऐसी हार मिली है कि वो भगवा दल के सामने खड़े होने लायक भी नहीं रह गए। वहीं कांग्रेस की स्थिति जो जगजाहिर है कि यूपी में पार्टी की क्या हैसियत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का टंका बज गया है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा हुआ है। तमाम दावों के बावजूद विपक्ष समेत समाजवादी पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया है और सपा इस चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई है। दरअसल 30 जनवरी को यूपी के 39 जिलों में एमएलसी चुनाव के लिए वोट पड़े थे। 2 फरवरी को मतगणना हुई और इस चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर बीजेपी के जयपाल सिंह वेनस्तो ने हैट्रिक लगा दी है। वहीं उन्नारव कानपुर स्नातक एमएलसी सीट पर बीजेपी के अरुण पाठक ने जीत दर्ज कराई है। झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर बीजेपी के बाबूलाल तिवारी, जबकि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी सीट पर बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह विजय घोषित किए गए हैं। वहीं कानपुर शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव के निर्दलीय राज बहादुर सिंह अंचंदेल ने जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 56.53% वोट पड़े थे और 39 जिलों के 1064 मतदान स्थलों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ था। सबसे अधिक 75.86% मतदान इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट पर हुआ था और वहीं कानपुर खंड स्नातक सीट पर सबसे कम 40.93% मतदान हुआ था। 5 सीटों पर कुल 63 उम्मीदवार मैदान में थे। तो विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर जारी हुआ हो और भविष्य की तस्वीर साफ होने लगी है कि इस बार 2024 में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो टारगेट सेट किया है वो काफी आसानी से हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।